पालिका द्वारा तथा नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा कई बार इनको नोटिस दी गई है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जर्जर है और इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है और हमारे त्यौहार के दृष्टिगत भी यहाँ से जो जुलूस वगैरह निकलते हैं, कैरी टोला, मलिक टोला वगैरह, काफ़ी भीड़ भी होती है और कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता था। विनोद टंडन को कई बार नोटिस नगर पालिका से भी दी गई है और हम लोगों ने दी है, लेकिन उन्होंने इसको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया है। और यहाँ के जो नागरिक हैं हमारे, उन लोगों ने और काफ़ी सारे लोगों ने प्रशासन से ये कहा कि आप इसको गिरवा दें, अगर नहीं गिरवाते हैं तो कोई घटना घट सकती है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि लखनऊ में एक घटना हुई जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई। इन सब के दृष्टिगत आज हम सीओ साहब और नगर पालिका ईओ साहब के साथ यहाँ आके इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। सर, शहर में और भी चिन्हीकरण किया जा रहा है ऐसे? हाँ, ऐसी बिल्डिंगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नगर पालिका एक्ट के तहत ये प्रोविज़न है कि अगर कोई बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के योग्य है, जर्जर है, तो ये नोटिस दे के उसको गिरा सकता है।